Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. I could have gone to People's Party to stand behind Asif Zardari. God Almighty. God Almighty. Woh koi shakhs hai? Look at the wealth that he has accumulated. Aur phir uska aage beta hai. Bablu. Jo bhi uska, kya naam hai uska? Bilawal. Bilawal, main Bablu kya raha hai. Koi baat nahi. Bablu. मैं मौलाना फजल रहमान को जान करूं, लंदन जाके अल्ताफ हुसैन को जान करूं, मियां साहिबान को जान करूं. सो यू टेल मी व्हाट इज द चॉइस कि एक बूढ़ा आदमी हो और वो कहे कि कुछ साल मैं सियासत में बतौर वर्कर काम कर रहा हूं, किसके पास जाऊं. एक और चॉइस थी मेरी, सिराजुल हक के पास जाता. अच्छा. एक और चॉइस, द ओनली अदर चॉइस. वो आप इसी चॉइस है ही नहीं थी. वो आप पे 62 वाला लगा देते कहीं, 63 जमात इस्लामी वाले, उनका क्राइटेरिया थोड़ा सख्त है. नहीं, लाइटर टोन में गए. बड़े अच्छे मौलवियों को मिला हूं. नहीं सर, बहुत अच्छे ही है. मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनके क्राइटेरिया पे आपने पता नहीं आना था कि नहीं आना था. अच्छा नहीं सर, यार दाढ़ी दूड़ी रख लेनी थी ना. ठीक है सर, मुझे एक बात बताएं. देखे, बड़े कम लोगों से एक तो उनके बयानिए का मजा आता है, और एक उनसे जो है ना वो इशार सुनने का, नज़में सुनने का, जो गुलजार साहब से बड़ा मजा आया मुझे फेस टू फेस. एक आपसे बड़ा मजा आता है, कोई अपनी पसंद की नज़में शेयर करें लोगों के साथ. गुलजार ने क्या किया नल की था सी, हु डिड गुलजार मैरी, ने सुना गुलजार मैरिड मीना कुमारी. सर नहीं, वो थी राखी, राखी गुलजार साहब ने मीना कुमारी से शादी, राखी के साथ की थी शादी. राखी से शादी की जी जी जी. अच्छा, मीना कुमारी से किसने की थी? सर मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं की. चलो, चलो. सर, की नहीं, मैं खफा नहीं हूँ कि किसने की थी. मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जानना. सर कोई आईडिया नहीं. अच्छा सुनो, मैं जो बात करना चाहता, मैं आपके आखिरी प्रोग्राम में मैंने उस्ताद दामन की वो खाई जाओ खाई जाओ खोलना है, वो एक्चुअली भुट्टो साहब के दौर में लिखी गई थी. अच्छा. वो हमने, लेकिन उन्होंने एक भुट्टो साहब पे, सुनो बेटा, फैज साहब थे एडवाइजर और बड़ी दोस्ती थी. अच्छा. फैज साहब की उस्ताद दामन के साथ, बल्कि उस्ताद फैज साहब ने जब वो नजम लिखी ना पंजाबी में, रब्बा सचिया तू थे अक्यासी जो बंदे जागता छो है साढ़िया नेमता तेरिया दौलता ने साडा नायब ते आली जा ते. दामन साहब उनको कहते हैं, फैज साहब किड्डी अच्छी उर्दू की नजम पंजाबी च लिखी. ख्याल जी उनको पंजाबी नहीं आती, लेकिन उन्होंने भुट्टो साहब पे एक लिखी, इसमें भुट्टो साहब ने उनको जेल में डाल दिया. फैज साहब ने ना, उस्ताद दामन ने.